हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम, ये जो 8th लेसन है, ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसके सारे जो प्रैक्टिस सेट है वन बाय वन में सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। और हम लोग यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में पूरे प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे एक एक सम्स के साथ में सॉल्व करेंगे। कोई भी सम यहाँ पे स्किप नहीं होगा, पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हो जाए। कोई भी सिंगल डाउट भी आप लोगों को नहीं रहेगा। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन एक्सप्लेन करना, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कर रही हूँ। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल में, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इतना हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को और कहीं भी मिलेगा नहीं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और जो प्रीवियस लेसन्स है, अगर आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं है तो डोंट मिस दैट। आप लोगों को सबसे पहले वो भी देख लेने हैं, एक एक सम्स पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर ना स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज़ गिवन हियर, लुक एट द अरेंजमेंट्स ऑफ द स्टिक्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। यहाँ पर आप लोग सोचोगे ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या, लेकिन ये दो आप लोगों को किसी किसी स्कूल में ना वो लोग चैलेंजिंग सम्स ऐसे भी डाल देते हैं, और आपने किया ही नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 स्टिक को इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो हमें कितने स्क्वायर्स मिल गए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर 1 मिला, और नंबर ऑफ स्टिक्स कितने थे, 4 थे, बराबर है। अभी आप नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने स्टिक्स आ गए हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्क्वायर्स कितने बन गए हैं, 2 बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टिक दिया हुआ है 7, देन यहाँ पर हमने कितने बॉक्सेस स्क्वायर्स बनाए हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब नंबर ऑफ स्टिक्स, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 + 1, सो दैट मीन्स 3 × 1 + 1, तो 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है, और प्लस 1, तो इसी को देखो कैसे हमने एक्सपांड करके दिखाया हुआ है, मीनिंग सेम है, बट 3 × 1 = 3, प्लस 1 इज ऑल्सो 4, 6 + 1 इज 7, ओके, और 3 × 2 = 6 + 1 = 7। तो यहाँ पर ये जो टेबल्स दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ लिखना है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ गिवन इन द बुक, और जो बुक में देते हैं ना उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो देयरफॉर ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पर कितने हम लोग डॉट निकालेंगे, 4 स्क्वायर चाहिए, तो आप लोग 4 स्क्वायर के लिए यहाँ पर डॉट निकाल दो और उसको 4 स्क्वायर कम्प्लीट करो, ठीक है। एज इट इज़ आप लोगों को करना है 10, फिर उसके बाद n दिया हुआ है, n मतलब एनी नंबर, दैट इज़ द वेरिएबल। तो अभी n क्या हो जाएगा, 3 × n, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज़ गिवन 3, 3 + 1, 3 × 2, 3 × 3 = 4, 3 × 4 = 4, मतलब जितने हम बॉक्स ले रहे हैं दैट मच वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर। ऐसा एक पैटर्न करके दिया हुआ है, ऑब्जर्व द पैटर्न, ये जो पैटर्न दिया है उसे ऑब्जर्व करके हमें लिखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नंबर ऑफ स्टिक्स है, इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ पे स्टिक्स के नंबर्स दिए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग करना है, ये हर एक अपने अपने इसमें यहाँ पर सेपरेट हैं। तो 3 × n, तो 3n हुआ प्लस 1, सो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 3n, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द पैटर्न्स अबव, वी नोटिस दैट नंबर ऑफ स्टिक 3 × नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो कितने स्क्वायर्स थे, 3 स्क्वायर्स थे, तो इसके लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया है। हियर द नंबर ऑफ स्क्वायर चेंजेस, नंबर ऑफ स्क्वायर बढ़ते गए हैं, चेंज होते गए हैं, इट कुड बी एनी ऑफ द नंबर्स, 2, 3, 4, वॉट एवर, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वी राइट अ लेटर एन, अगर हम क्या करेंगे, लेटर इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पर जैसे एन लिखा हमने, इफ़ यू डोंट नो द नंबर ऑफ, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, एन दिया हुआ है, पहले 10 दिया था, स्क्वायर्स कितने हैं, 10 है, स्क्वायर 4 है, स्क्वायर 3 है, बट हियर इज गिवन एन स्क्वायर, इसीलिए हमको वहाँ पर वेरिएबल लेना है।
Hence, the number of the square is shown by the letter n. n is what? Variable. तो यहाँ पे underline करके रखो. 3 multiplied by n plus 1 which is the same as 3n plus 1. तो ये 3n plus 1 क्या बन गया है? Algebraical expression. So, इसको बोलते हैं algebraic expression in the variable n. तो इसमें n क्या है? ये variable आया है. ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स व्हाट? एनी लेटर वी यूज इन द सम इज कॉल्ड वेरिएबल. अभी यहाँ पर देखो, बॉल्स दिया है 1 2 3, 3 बॉल्स 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स 1 2 3, 3 टी, तो इसके लिए 3 टीज. 2 प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बैट्स 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 2, इधर आ गया 3. 1 2 मैंगोज, देन 1 2 3 गुआवास, 1 2 y's एंड 1 2 3 x 2 एंड y कितने हैं? 3. तो अब ये क्या बन गया है? यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज़ किया है. यहाँ पे वेरिएबल के बदले क्या था? ऑब्जेक्ट्स थे. इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट सो वी राइट व्हाट? वेरिएबल्स. अभी यहाँ पे 2 कैसे आया है ये बताओ. तो यहाँ पे वेरिएबल्स के आगे ना इमेजिनरी 1 होता है हर जगह पर. किसी भी वेरिएबल के आगे इमेजिनरी 1 होता है और वो 1 को हमें काउंट करना होता है. तो यहाँ पे 1 2, सो 2x, 1 2 3, 3 y. ठीक है, इस तरह से आ गया. अब यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लिख देती हूँ तो समझ में आएगा. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ना कभी कभी आप लोगों को स्क्वायर्स और ये पूछते हैं उसका पेरीमीटर, और आप लोग जो पहले 4th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ फॉर्मूला है ना वो भूल जाते हो. तो फॉर्मूला याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ लिखो, या 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ. इसके लिए 2 लिखते हैं. ठीक है, व्हाई वी राइट हियर 2? बिकॉज 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ, इसीलिए 2 लिखा जाता है. अगर स्क्वायर दिया है तो क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, बिकॉज स्क्वायर में अगर ये ए दिया है तो ए ए ए ए ही रहेगा, या नंबर दिया है 4 तो 4 4 4 4, 3 3 3 3, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, इसीलिए 4 टाइम्स साइड. ठीक है, चलो अभी यहाँ पर नेक्स्ट दिया है 3n प्लस 1, 3t, 2x प्लस 3y, 2 इन ब्रैकेट l प्लस b आर द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. ये सब क्या है? अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस हैं. और यहाँ पे n, t, y, l, b, x, ये सब क्या है? वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन. तो इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो ये दोनों अंडरलाइन करके रखना है टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर. और फिर समटाइम्स ये आप लोगों को आता है थ्रू फॉल्स में करेक्ट द स्टेटमेंट के लिए. तो ये ऑब्जेक्ट, ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. चलो नेक्स्ट, तो बहुत ही जल्दी अभी हम प्रैक्टिस सेट 32 भी स्टार्ट कर देंगे. उसके पहले ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये समझ में आना इम्पॉर्टेंट है. प्रैक्टिस सेट तो क्या फटाफट हो जाएगा. इन द एक्सप्रेशन 3x, 3 इज वॉट? जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जो लेटर होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल. क्या बोलेंगे? नंबर्स को कोएफिशिएंट और लेटर्स को वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर नेगेटिव 15t दिया है तो नेगेटिव 15 क्या है? कोएफिशिएंट है, और t क्या बन गया है? वेरिएबल. और पूरा जो सम होता है, ये पूरा इतना जो पार्ट दिया है, इसे हम क्या कहते हैं? टर्म. क्या कहेंगे? टर्म. सो इन द एक्सप्रेशन 3x, 3 इज कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल x. इन द एक्सप्रेशंस नेगेटिव 15t, नेगेटिव 15 इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल t. तो वेरिएबल t का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव 15. एन एक्सप्रेशन इज विच द मल्टीप्लीकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्म. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है. अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है. कैसे? नेगेटिव 15 मल्टीप्लाइड बाय टी है ना ये, देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स. तो जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वहाँ पर उसे हम कहेंगे टर्म.
एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में है वन टर्म और मे बी द सम ऑफ सेवरल टर्म्स, तो एक टर्म हो सकता है या बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को आगे देखते देखते सब समझ में आएगा, आगे प्रैक्टिस सेट्स में सेवरल टर्म भी आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखो टर्म्स दिया है कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, तो 11 mn, तो 11 इज़ व्हाट कोएफिशिएंट और m एंड n क्या है टर्म है, वेरिएबल्स हैं। मतलब ये कैसे हो गया 11, यहाँ लिख देती हूँ 11 मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई n, ऐसे नेगेटिव 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पर नेगेटिव 9 क्या है कोएफिशिएंट है और x और y क्या है वेरिएबल। 5/6 में 5/6 कोएफिशिएंट, p इज व्हाट वेरिएबल। a में अभी मैंने जैसे बताया था इमेजिनरी 1 आगे रहता है, देयरफॉर 1 इज व्हाट कोएफिशिएंट, तो 1 कहाँ से आया है इमेजिनरी 1 एंड a इज व्हाट वेरिएबल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर यह समझ में आने लगा है। यहाँ सेम दिया हुआ है 5/6 y x z इज द थर्ड टर्म एंड द 5/6 इज द कोएफिशिएंट इन इट। ओके चलो अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 4x² - 2y + 5/6 xz। ओके यहाँ पर एक सम दिया है एग्जांपल में, तो 4x² जो है इसको कैसे करेंगे, 4x² इज द फर्स्ट टर्म, देन 4 इज द कोएफिशिएंट इन इट, 4 कोएफिशिएंट है। सेकेंड टर्म कौन सा है 2y, इसमें कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ओके और नेक्स्ट क्या है 5/6 xz, इसमें कोएफिशिएंट क्या है 5/6। ठीक है समझ में आ गया, और जो बाकी के लेटर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं। अभी यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है टू रिमेंबर, तो ये रिमेंबर्स जो हमें देते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी में से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 15 - x हैज़ टू टर्म्स, अभी कैसे टू टर्म्स हुए देखो, जब माइनस और प्लस बीच में आता है ना तो सेपरेट करने वाले जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो पूरे सेपरेट टर्म बन जाते हैं, इसीलिए वो क्या बन गया है ये टू टर्म्स है यहाँ पे। तो द फर्स्ट टर्म 15 इज द नंबर एंड द सेकेंड टर्म इज नेगेटिव एक्स, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्स इज वॉट, अभी एक्स है ना यहाँ पर तो इसके आगे क्या रहेगा इमेजिनरी 1, इसके लिए नेगेटिव 1 क्या है एक्स का वेरिएबल जो है उसका टर्म क्या है कोएफिशिएंट नेगेटिव 1। टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स, जिसमें सेम वेरिएबल्स आते हैं, मतलब एक में एक्स है दूसरे में एक्स है, एक्स वाई है एक्स वाई है, जेड एक्स है तो जेड एक्स है, ऐसे जब सेम सेम आते हैं ना सेम पावर्स इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। अभी हम देखेंगे लाइक टर्म्स क्या है। ये देखो यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में 2x 5x, तो यहाँ पे दोनों में एक्स एक्स हैं लाइक टर्म हो गए। थर्ड पॉइंट में भी दिया है एक्स ही दिया हुआ है, तो मतलब ये तीनों क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। अब यहाँ पर देखो x² y x² देखो x² x² y y हो गया ना लाइक टर्म, इसीलिए आगे पीछे है चलेगा बट सेम रहने चाहिए। अगर यहाँ पे क्यूब दिया है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो ये लाइक टर्म नहीं बनेगा, क्यूब है तो क्यूब ही चाहिए, ऊपर का पावर जो है ना वो सेम रहना चाहिए। अनलाइक टर्म देखो 7xy 9y² 2xyz, अभी यहाँ पे एक्स वाई वाई स्क्वायर अलग अलग आ गए सब जगह पर, तो ये लाइक टर्म है सॉरी अनलाइक टर्म है। 8mn 8m² n² 8m³ और n, सब में एम एन दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, यर द सिंगल टर्म इस सिंगल पावर, इसीलिए क्या हो गया है ये अनलाइक टर्म में आता है। ठीक है ओके नाउ वील सी द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी कौन कौन से टाइप के होते हैं लेट्स सी दैट। एक्सप्रेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नंबर्स ऑफ टर्म्स दे हैव, तो कितने टर्म्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया टू टर्म्स है तो वैसे ही कितने टर्म्स आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दिया हुआ है। एक्सप्रेशंस विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, देखो यहाँ से मैं पूरा टिक मार्क कर रही हूँ बिकॉज ये एक एक पॉइंट जो है ना ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। फिर दोज विथ टू टर्म्स बाइनोमियल,
विथ थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल्स एंड इफ दे हैव मोर देन थ्री टर्म्स. देखो मोर देन थ्री टर्म्स अगर हैं तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल. क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्री टर्म्स से जो ज़्यादा बन गया है, मतलब थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स कितना भी रहने दो, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो अभी यहाँ पर देख लो, वन टर्म है, वन टर्म है, वन टर्म है, इसके लिए मोनोमियल्स हो गए. बाइनोमियल में टू टर्म्स. देखो टू टर्म्स कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जिसके बीच में एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा. एक तो एडिशन रहने दो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर इट इज़. तो एक साइन आ गया बीच में और टर्म्स यहाँ पे डिवाइड हो गए, इसीलिए ये बाइनोमियल बना. ये भी बाइनोमियल बना, बीच में एडिशन आ गया है, ये भी बाइनोमियल है बिकॉज बीच में माइनस साइन है. अब ये ट्राइनोमियल है बिकॉज वन टू थ्री टर्म्स हैं और बीच में टू साइंस आ गए हैं सेपरेट करने के लिए. वन टू थ्री टर्म्स है, बीच में टू साइंस है, एक माइनस है एक प्लस है, सेम रहेगा चलेगा, डिफरेंट है, अलग अलग अपोजिट साइंस है फिर भी चलेगा, बट माइनस और प्लस ये ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होना चाहिए. ओके यहाँ पर भी वन टू थ्री टर्म्स हैं, माइनस और प्लस साइन है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया. अभी देखो जब टू साइंस से ज़्यादा, टू साइंस आ गए तो ट्राइनोमियल, वन साइन है तो बाइनोमियल और नो साइंस तो मोनोमियल. ठीक है, ये भी सिंपल फंडा आप याद रखो. या फिर वन टू थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, टू टर्म्स है बाइनोमियल और वन टर्म है मोनोमियल. अभी वन टू थ्री फोर टर्म्स है तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल्स. वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल्स. वन टू थ्री फोर टर्म्स है पॉलिनोमियल्स बिकॉज थ्री से ज़्यादा हैं. क्लियर. चलो अभी मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो गया है. आई होप आप लोगों को पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन समझ में आया है. डाउट है तो रिपीट करके देखो, एक दो बार आप देखोगे तो और क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट, और साथ में सॉल्व भी करते रहना है. सिर्फ वीडियो देखते बैठना नहीं है, देखते देखते सॉल्व भी करना है, नोटबुक और पेंसिल रख के साथ में करना है. अभी नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 32. चलो, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स. अभी मैं तो इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड एनी हेल्प हियर. बट फिर भी मैं जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा अगर प्रॉब्लम है 1% भी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार ये भी पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखो सिंगल टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल, टू टर्म्स हैं, वन टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, वन टू थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, वन टू थ्री फोर टर्म्स है, मोर देन थ्री है तो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल, वन टू टर्म्स है तो फिर से बाइनोमियल, सिंगल टर्म तो ये क्या बन गया, मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, वन टू थ्री टर्म्स सो ट्राइनोमियल. सो दिस वे पूरा मैंने बताया है कि किस तरह से आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा 32 कंप्लीट हो गया है विथ एक्सप्लेनेशन. तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी जिसमें हम करेंगे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 33, और साथ ही पूरा एक्सप्लेनेशन किस तरह से एडिशन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किया जाता है, साइंस कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी. इसके लिए आप लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो अपलोड होते ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आने वाला वीडियो भी देखना है, और ये प्रैक्टिस सेट भी करते रहना है. प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं पहले से, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, और एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.